हेलो फ्रेंड, आपको मेरे चैनल में स्वागत है आपका। तो आज मैं बताऊंगी आपको सफ़ेद सोया चॉप कैसे बनाया जाता है घर पे। तो बहुत इजी है बनाना, आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं घर पे ही। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना है। इसका जो तेल है ये देखिए, इसमें साइड साइड दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। तो आप ऐसे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बिल्कुल घर पे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये बना कैसे है। हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया चॉप, वाइट सोया चॉप बनाऊंगी। और ये देखिए मैंने चार ले लिए हैं, और इसकी जो लकड़ी है इसको हम ऐसे कट करके निकाल लेंगे। तो इसकी जो लकड़ी है हमने पहले निकाल दिया है, तो इसको हम बिल्कुल छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे साइज में हमें काट लेना है। तो ऐसे हमें लकड़ी को निकाल लेना है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है सोया चॉप्स, ये जो है दिल्ली का मशहूर है। तो ये देखिए लकड़ी निकल गई है आसानी से, इसको हम ऐसे बारीक बारीक काट लेंगे। तो ये देखिए मैंने सबको छोटे छोटे पीस में काट लिया है। तो अब इसको हम रखते हैं एक बर्तन में। तो ये देखिए मैंने इसको एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। तो अब इसमें मैं डालूंगी काली मिर्च का पाउडर। और अब डाल देते हैं नमक। और इन दोनों को अब हम अच्छे से इसी में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो नमक है काली मिर्च है वो अच्छे से सोख ले इसमें। ये देखिए हमने मिला लिया अच्छे से। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं साइड में, तब तक हम इसका जो है पेस्ट बना लेते हैं। अब हमने ले लिया है एक जार छोटा वाला, और इसका जो हम बनाएंगे पेस्ट, ये मैंने ले लिए हैं काजू। काजू को मैंने थोड़ा सा भिगो दिया था, इससे भिगोने के बाद से जो ग्रेवी बनती है वो अच्छे से बन जाती है। और ये मैंने ले लिया है एक कटोरी दही है, और इसको हम क्या करेंगे मिक्सर जार में पीस लेंगे, बिल्कुल पतला पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए काजू का जो है हमारा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल बारीक हमने पीस लिया है इसको। अब थोड़ा सा हम मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने एक ले लिया है बड़ी इलायची, और ये थोड़ी सी दालचीनी है, और दो मैंने ले लिया है लौंग, और चार से पांच तक की मैंने ले ली है काली मिर्च, एक मैंने ले लिया है तेज पत्ता। तो अब इन सबको हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम दरदरा इसको कूट लेंगे। तो ये हमारा 10 मिनट हो चुका है, तो अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, और अब इसमें मैं डालूंगी तेल। तो तेल मैंने ले लिया है, और थोड़ा सा इसको हम तेल को गरम कर लेते हैं। उसके बाद से हम इसको एक एक करके इसमें डाल देंगे, और अच्छे से हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमने जो है अच्छे से इसको उलट पलट दिया है, ताकि दोनों साइड से ये अच्छे से पक जाए।
अब इसको देखिए कलर जो है बहुत अच्छा आ गया है और अच्छे से ये भुन भी गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे अलग बर्तन में। ऐसे हमें अच्छे से इसको ऐसा करके निकाल लेना है। इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे मसाले को जो हमने कूटा था और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल में। ये देखिए अब इसमें हम क्या डालेंगे, जो हमने पेस्ट बनाया था अब उसको हम डाल देते हैं पेस्ट को। और गैस जो है बिल्कुल हमें स्लो करना है, करके भूनना है, नहीं तो जो हमारा दही है ना वो फट जाएगा। जब आँच ज़्यादा लगेगी तो दही हमारा जो है फट जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, बहुत ही धीमी आँच पे पकाएंगे और इसको चलाते भी रहेंगे ताकि अच्छे से हमारा जो है ये पक जाए। तो देखिए इसे इसमें हमें अलग से कोई और मसाला नहीं डालना है, जो मसाले हमने कूटे थे सिर्फ वही रहेगा, क्योंकि ये जो है सफ़ेद सोया चॉप्स है तो इसको हम मसाले नहीं डालेंगे, इसमें ज़रूरत ही नहीं है डालने की। अब इसमें क्या है ना कि हम जो है ग्रेवी को थोड़ी गाढ़ी करने के लिए इसमें हम डाल देते हैं, ये मैंने ले लिया है दूध की मलाई, फ्रेश मलाई है। आप इसके जगह क्रीम भी डाल सकते हैं या तो दूध की मलाई डाल सकते हैं, जो आपके पास हो वो डाल दीजिए, जो कि क्रीम या दूध की मलाई इसमें डालना ज़रूरी है। इससे जो है हमारा टेस्ट जो है दुगुना बढ़ जाता है। और अब इसमें हम डाल देते हैं सोया चॉप और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी में और इसको अच्छे से हम पका लेंगे। और अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो नमक हमें थोड़ा ही डालना है, हमने पहले डाला है नमक, तो इसमें थोड़ा सा नमक और हम डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से पका लेंगे। ये देख सकते हैं कि तेल जो हमारा है बिल्कुल ऊपर आ चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे हरी धनिया, थोड़ा सा बारीक काट लिया है धनिया को, और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और गैस को जो है बंद कर देंगे। ये देखिए मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए देखने में ही टेस्टी लग रहा है, तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करिए। ये देखिए बहुत ही ये टेस्टी बना है और कम समय में भी हो गया है। आप इसको चाहें तो झटपट भी बना सकते हैं, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गया है तो आप इसको बना के खिला सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है सफ़ेद सोया चॉप बनके तैयार है, देखिए। और तेल भी देखिए बिल्कुल अलग हो चुका है इससे। तो आप इसको रोटी के साथ या पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, या तो आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरी वीडियो को नई आप नए देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो उसमें घंटी लगी है उसको भी बजा दीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए।